please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं में आपका भाजपा भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और एक मिनट नाराबाजी नहीं करेंगे, मैं आपके मुकाबले मजबूत नहीं। आप कौन सी सेना से? राष्ट्रीय राजपूत करणी। राजपूत करणी सेना से? जी मैं इतना मजबूत आदमी नहीं हूँ, बहुत कमजोर इंसान हूँ, मैं इतना चिल्ला नहीं पाऊंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। मैं एक मिनट, मैं शो शुरू करता हूं, मैं एक बार परिचय और दे दूं जो हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं। हालांकि बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन परमहंस अवधेश पुरी जी महाराज जो हैं मानस मर्मज्ञ हैं, और जो पहले मैंने बोला था टिकट वाली बात वो झूठ है, ये वाली बात सही है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जो यहां पे कांग्रेस के लोग मौजूद हैं, मैं उनका भी तारुफ करा दूं। नूरी खान जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ माया तिवारी जी कांग्रेस नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ करणी सेना के शैलेंद्र सिंह झाला साहब मौजूद हैं, और शो को शुरू करता हूं, ओपन करता हूं। जी आहा, क्या बात है जी भाई, आपसे साक्षात रूबरू मुलाकात हो गई, यही चाहिए, रोज टीवी में हम आपको देखते थे। तो ऐसे कह रहे जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आ गया। भाई साहब, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा एक प्रश्न है कि एट्रोसिटी एक्ट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटने के लिए बिल ला सकते हो, तो राम मंदिर के लिए बिल कब ला रहे हो और कांग्रेस उसका समर्थन कब करेगी? राम मंदिर के लिए राम मंदिर के लिए बिल कब ला रहे हो? जी एक मिनट, बैठिए जी मैम। नहीं जवाब नहीं लूंगा, अभी लूंगा जी। मेरा एक प्रश्न है कि सबको स्कॉलरशिप दी जाती है, SC ST के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, जबकि उनके पेरेंट्स ए ग्रेड ऑफिसर रहते हैं, 75,000 सैलरी रहती है, जबकि एक आम आदमी सवर्ण का बच्चा जिसके पेरेंट्स बेचारे फीस नहीं भर पाते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप नहीं दी जाती, ऐसा क्यों? जी तो आपको आर्थिक आधार पर उनको स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए, आर्थिक आधार पर, क्रीमी लेयर वाली बात। जी जी जी, गजब का टीका लगाए भाई आप। ये बताइए कि हम अलग अलग रोज सेनाएं बना रहे हैं, रोज भारत बंद कर रहे हैं, रोज आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जातियां समाप्त करने की बात क्यों नहीं करते? भारत की बहुत बड़ी समस्या समाप्त हो गई। आज भाई आज बताएं, मुझे राजस्थान से घूमते हुए मैं मध्य प्रदेश में मिला और यहां पहुंचा उज्जैन में, मुझे मालूम था यहीं पे मिलेगा कोई। आओ मेरे पास आओ, बगल में आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करना चाहता हूं, यहां अंदर आओ। क्या बात है, ओहो, बचा के संभाल के, चोट नहीं लग जानी चाहिए। आओ भाई आओ, ताली बजाइए इनके लिए। क्या नाम है आपका? महेश मरमट नाम है मेरा। महेश मरमट। मरमट, आप कहते हैं कि भारत बंद, ये बंद, वो बंद, बिल्कुल, लेकिन देश जाति तोड़ने की कोई बात नहीं करता। हाँ, जातियां यदि समाप्त हो जाती है तो बहुत सारे संगठन समाप्त हो जाएंगे, बहुत सारी राजनीति पार्टियां समाप्त हो जाएगी और भारत विश्व शक्ति बन जाएगा, लेकिन ये इस विषय पे बात नहीं करते। हाँ। ये बात बरगलाने पे करते हैं, बरगलाने पे करते हैं। बिल्कुल, करनी सेना वाले बैठे हैं। सभी करनी सेना, अभी करनी सेना आग में घी डालने वाली है। आग में घी डालने वाले, आओ मेरे पास आओ, गले तो मिल लो। क्या बात है, खड़े होइए जनाब अली, खड़े होइए। आप आग में घी डालने का काम समाज में करते हैं? आग लगाने का काम इस देश की पार्टियां करती है, और जो पार्टियां देश में धर्म निरपेक्षता के नाम पर, कौन पार्टियां जो है आग लगाती हैं? कांग्रेस धर्म निरपेक्षता के नाम पर। हाँ। भाजपा हिंदुत्व के नाम पर। हाँ। जब बात एक देश की हो रही है, एक संविधान की हो रही है, तो देश का कानून क्यों नहीं एक होना चाहिए और संविधान क्यों नहीं एक होना चाहिए? तो एक क्यों नहीं होना चाहिए? तो महाराज मुझे बताइए, बार बार मैं आप ही के पास आके लुढ़क जाता हूँ, तो ऐसी जगह जाने की क्या फायदा है जहाँ पे आग लगाने का काम हो रहा है? आग कोई पार्टी नहीं लगाती, ये परिस्थितियाँ रहती हैं, जैसी परिस्थितियाँ होती हैं वैसे सरकार काम करती है। जैसी परिस्थितियाँ होती हैं सरकार, वैसे ही सरकार मतलब ढुलमुल होती है, जिधर मन आया उधर ढुलक लिए। ढुलकती नहीं है। हाँ। उसके अपने कुछ आदर्श होते हैं। आदर्श होते हैं जी, जी। मैं आपका हर कार्यक्रम देखता हूँ क्या, और अभी हाल आधे घंटे पहले ही आपका टीवी पे आया था कि घंटाघर पे कार्यक्रम है। मतलब मैं और मेरा भाई। हाँ। हम दो अभी हाल घंटाघर के लिए आए ना, अब हर कार्यक्रम देखता हूँ ना, कल भी इंदौर का देखा था। हाँ। और मैं हर बार आपसे मिलना चाहता हूँ। भाई सवाल क्या है? सवाल क्या बस, आपसे मिलना और आपसे ना, ये कोई बात नहीं हुई। माता जी नमस्ते जी।
नमस्ते, कैसी हैं आप? बढ़िया। कोई सवाल, कोई चीज, कोई बात? बस सर जी, इधर इधर सर जी, इधर इधर जी। मैं सवाल के लिए आता हूँ जी। जी जी, सवाल पूछिए सर। सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा तो ये है कि सब अलग अलग चीजों की बातें करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण पे कोई भारत में बात नहीं करता, जो सबसे बड़ी समस्या है। यार तुम घूम फिर के मुसलमानों की तरफ इशारा क्यों करते हो? बात नहीं है जनसंख्या सभी इससे रोजगार भी, जो बार बार रोजगार की बात आती है कि रोजगार दिया जाएगा, पर जनसंख्या नियंत्रण पे कोई काम नहीं आती। हिंदू मुसलमान वाली कोई बात होती नहीं है ना? नहीं, कोई पक्का ना? इसमें रोजगार है ना, अगर जनसंख्या नियंत्रण होगा तो रोजगार। जनसंख्या मैं जानता हूँ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सवाल पूछे जाने चाहिए, बराबर पूछे जाने चाहिए, इस देश में बड़ी समस्या। लेकिन आपने जो सवाल उठाया था वो मूलभूत सवाल है, मैं उसे जानूंगा। सर, मैं उज्जैन में न्यूज 18 चैनल का स्वागत करती हूँ। बाबा महाकाल की नगरी में आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, और आपकी टीम सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं पिछले 5 वर्षों से अतिथि शिक्षिका हूँ, और मेरे साथ की सभी अतिथि शिक्षक भाई बहने सभी बहुत परेशान है। पिछले 12 वर्षों से वो शोषित हो रहे हैं, क्योंकि उनको मिनिमम मानदेय पर रोजिना बहन मुझे प्रदेश प्रवक्ता ने बताया, उन्होंने बताया कि इस पर कार्य होगा, लेकिन प्रक्रिया के तहत जाना होगा। प्रक्रिया के तहत जाना होगा बहन। हाँ बिल्कुल सर, मानते हैं। दिल्ली सरकार और यूपी सरकार अतिथि शिक्षकों को 35,000 रुपए दे रही, और यहाँ एमपी की सरकार 3500 रुपए क्यों दे रही? जी उन्होंने बोला जी, ऑफकोर्स कांग्रेस का पक्ष। जी 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 जनाब, अभी सब राष्ट्रीय मुद्दों से हटकर मैं उज्जैन की मूल समस्या पे जाना चाहता हूँ। उज्जैन की मूल समस्या ये है कि पिछले 15 साल के शासनकाल में एक भी कॉलेज, एक भी सेंट्रल स्कूल या एक भी यूनिवर्सिटी कहीं उज्जैन जिले में या संभाग में खुली हो तो आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, मुझे बताएं उज्जैन में ऐसे कौन सा शासकीय कॉलेज खुला है, कौन सा मेडिकल कॉलेज खुला है? उज्जैन बेरोजगारी का हब बन चुका है, यहाँ से पढ़ने, शिक्षा के लिए, कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए, कोचिंग के लिए और रोजगार के लिए देवास तक लोग जाते हैं। जी मैं बड़े बड़े कांग्रेस ने क्या किया सर? हमारा मुद्दा है, आप उज्जैन गांव में आए हैं, पिछले 25 सालों से कांग्रेस और बीजेपी दोनों मूर्ख बना रही है जनता को उज्जैन की। 25 सालों से कोई उद्योग नहीं खुला है यहाँ पे, सब बेरोजगार है, सब पीला लगा के और गांव शिप्रा नदी में क्या डूब जाए यहाँ के लोग। माथे पे टीका लगा के आप ये बताएं कि टीका लगाने से, धार्मिक नगरी घोषित करने से क्या पेट भरता है जनता का? 25 सालों से यहाँ पे कोई उद्योग नहीं खुला है आज तक, न बीजेपी ने फेल किया है, न कांग्रेस ने फेल किया, भूखे मर रहे हैं यहाँ पे। जितने भी उद्योग थे सब बंद करवा दिए, और ऊपर है ना आप का तमगा लगा के बैठे। सर स्टूडेंट का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। अभी इस साल चुनाव होने के कारण 2011 में जो संविदा भर्ती आई थी ना, वो इस साल उन्होंने लेटेड करी है, और सिर्फ हाई स्कूल की, न प्राइमरी और मिडिल की कोई जानकारी नहीं दी और कोई घोषणा नहीं है। सवाल ये है, बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। ऑफकोर्स बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है। देखिए ऐसे करेंगे तो मैं आ जाऊंगा, ऑफकोर्स आऊंगा। बैठिए। जी सर, किसानों के लिए प्रदेश सरकार कहती है कि हमने ये किया, वो का भावांतर योजना चालू करती, सब करती है। उस टाइम पे व्यापारी माल नहीं खरीदता है, कम भाव में खरीदता है, और जो उन्होंने अप्रैल मई में माल खरीदा था चने का, उसका आज तक पैसा नहीं मिला है, न लहसुन का भावांतर मिला है, न प्याज का भावांतर मिला है, सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। चुनाव के लिए ये सब कह रहे हैं कि हम वो कर देंगे, वो सोचते हैं कि हम चुनाव पास में आएगा तब देंगे इनको, तो ये याद रखेंगे, पर ये 5 साल की किसान याद भी रखेंगे। भारतीय किसान संघ के नेता यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक मिनट प्लीज भाई, मैं तुम्हारा ही सवाल पूछ रहा हूँ, बेरोजगारी का सवाल। एक मिनट बैठो, मैं बेरोजगार, एक मिनट प्लीज, बढ़िया भाई बढ़िया, बेरोजगारी का सवाल तुम्हारा रखूंगा। दूसरा सवाल ये है जो इन्होंने पूछा कि किसानों को लेकर, क्या किसानों को आप मूर्ख समझते हैं? मेरा भारतीय जनता पार्टी से एक प्रश्न है। कुछ दिनों पूर्व मंदसौर में एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार यदि बनती है तो हम 11 दिन में कर्ज माफी किसानों को करेंगे। हम ऐसी कर्ज माफी के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, हमें व्यवस्था ऐसी चाहिए कि किसानों को कर्ज लेने की आवश्यकता ना पड़े, या किसी भी प्रकार की सब्सिडी जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, ये किसी प्रकार की सब्सिडी हमें नहीं चाहिए। हमें उत्पादन पर प्रोत्साहन चाहिए, जो किसान उत्पादन कर रहे हैं उस पर प्रोत्साहन चाहिए। तेलंगाना सरकार जिस तर्ज में किसानों को उत्पादन पर प्रोत्साहन दे रही है,
मध्य प्रदेश सरकार भी उत्पादन पर प्रोत्साहन दे, ये भाजपा से मेरा प्रश्न है। दूसरा कांग्रेस से जो शेम शेम हो रही है भस्मारती के पास पे नाम पर चिल्लाने वाले कांग्रेस ही है, ये पूरा विजन क्लियर करे कि किसानों के नाम से कर्ज माफी पे किसान नहीं आने वाला आपके साथ में। आप स्पष्ट कहिए किसानों के मामलों को लेकर कोई स्पष्ट नीति बनाने वाले हैं जी? किसानों को लेकर क्या स्पष्ट नीति आप बनाए? ऑफकोर्स मैं आऊंगा, ऑफकोर्स आऊंगा। नहीं, आप शहर अध्यक्ष नहीं है, आप बहुत बड़े नेता हैं, अब मैं आऊंगा आपके पास, बिल्कुल आऊंगा जी जी जी, मैं आऊंगा। पहले मैंने पूछे जी, किसानों का कर्जा माफ अगर इस देश में किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। 72 करोड़ रुपए कर्जा माफ कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाजपा ने जिस तरीके से रोजगार की बात कही थी, मध्य प्रदेश में 4 सालों में सिर्फ 334 नौकरियां दी गई हैं, और उज्जैन में 50,000 से ज्यादा युवाओं ने आज मजदूर डायरी बनाने पर मजबूर होना पड़ा है। और ये धार्मिक नगरी की बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान, शिप्रा नदी जो है मोक्षदायिनी नदी, 450 करोड़ रुपए जो नर्मदा शिप्रा लिंक योजना है उसका ये लोग खा चुके हैं, ये भाजपा वाले। ना तो ये धर्म की राजनीति सही से कर सकते हैं, ना देश हित की राजनीति कर सकते हैं। इन्हें जवाब देना चाहिए कि किसानों का कितना कर्जा माफ किया। अच्छा बहन, अच्छा बोलती है आप, गजब बोलती है आप, तो एक सांस में बोल गई पूरी बातें। आ रहा हूँ मैं, आपसे पूछा नहीं तो सपनों में भी आएंगे आप, डराएंगे मुझे। मुझे ये 14 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं, चाहे व्यापम का घोटाला हो, चाहे डंपर का घोटाला हो, नर्मदा छिपरा। भगाऊंगा भी, एक मिनट भगाऊंगा दोनों को। बड़े नर्मदा छिपरा लिंक के नाम पे करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए गए हैं, आज तक उसमें कुछ कार्य हुआ नहीं है। ये 14 सालों के अंदर से भ्रष्टाचार हुआ है, 100 से अधिक लोग व्यापम में मारे जा चुके हैं। जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे शिवराज सिंह चौहान, इन्हें जन आशीर्वाद यात्रा की जरूरत ही नहीं है। अगर इन्होंने कार्य करे होते तो जनता के बीच में आज इनको आने की जरूरत नहीं पड़ती, जनता इनको खुद वोट देती। सवाल यार अच्छा पूछा है तुमने, सवाल तो तुमने अच्छा पूछा जी। जनाब जवाब दीजिए मुझे, ये बताइए अगर यात्रा निकाल रहे हैं तो क्यों निकाल रहे हैं, क्या बताने के लिए? अगर काम किया है तो बताने की जरूरत क्या है? जो काम करेगा वही जनता के बीच जा सकता है। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अभी जो अलग अलग प्रश्न आए, मैं सब प्रश्नों का जवाब देने की स्थिति में हूँ। हमने सबके साथ सबके विकास की बात करी है, तो जो आरक्षण के और ये मुद्दे आए इसमें सबका साथ सबका विकास, हमने सभी वर्ग के लिए प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया, उसमें कोई जातिगत व्यवस्था नहीं है। संबल योजना के कार्ड हमने सभी जातियों को देने का काम किया है, हर मजदूर को हमने कार्ड देने का काम किया है। किसान का जो विषय आया है, देखिए मेरी बात सुप्रियो, किसान का जो विषय आया है, किसान को प्रोत्साहन राशि देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गेहूं के ऊपर प्रोत्साहन राशि मध्य प्रदेश में देने का काम किया है। चने पे, सरसों पे, मसूर पे, प्याज पे, लहसुन पे प्रोत्साहन राशि अगर किसी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया है, शिवराज सिंह चौहान ने देने का काम किया है। फसल बीमा योजना अगर देने का काम किया है तो हमने किया है। ये सरकार सबका साथ सबके विकास पे काम कर रहे हैं, बिजली के बिल माफ हमने एक मिनट, बड़े हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने सब कुछ किया है। अरे अब तो पसी जाओ मेरे भाई, मैंने सब कुछ किया है, अरे अब तो मानो। लेकिन मैं आऊंगा, आप कांग्रेस के हैं, मैं बोलना चाहते हैं, लेकिन मुझे भी जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि वक्त है ब्रेक का। ऑफकोर्स मैं आऊंगा बेटा। बच्ची क्या नाम है तुम्हारा? पलक परमार। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर आता हूँ। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, और मैं मौजूद हूँ उज्जैन में जी। मुझे मालूम है तमाम सारे लोगों के सवाल हैं, श्रीमान सिंह चौहान साहब अध्यक्ष कर्मचारी कांग्रेस उज्जैन से जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। भगवान पडोले साहब प्रदेश प्रभारी बसपा, बहुत बहुत स्वागत है साहब, कुर्सी थोड़ा सा बना लीजिए। सवाल मैंने, हाँ बच्ची तुमसे प्रॉमिस किया था जी। मैं कहना चाहती हूँ कि स्वच्छता अभियान में जो कचरा गाड़ी चल रही है वो सब शहर में ही चलना चाहिए, गाँव में क्यों नहीं चलना चाहिए? गाँव में क्या कचरा नहीं होता? क्या शहरों में ही होता है? बस
मेरा सवाल ये है केंद्र सरकार से कि जब कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो पेट्रोल और डीजल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, और जब अन्य राज्य भी जो है ना वेट कम कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश सरकार को कर रही है। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं तो ये पूछ रहा हूं, आम जनता इंडिया न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि 15 साल पहले ऐसी गाँव में सड़कें थी क्या, 15 साल पहले गाँव में ऐसी सड़कें थी क्या, और किसानों की सरकार है बीजेपी सरकार। और एक इंडिया न्यूज के माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूँ, भाई साहब आपको तफरी सूझ रही है क्या, बैठिए यहाँ पे बैठिए, हरिये एक मिनट प्लीज गो प्लीज, हरिये चलिए चलिए आइए प्लीज, बैठा लिए इनको, उठिए बैठा लिए, ऐसी कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बैठा सकते, बैठा लीजिए इधर बैठा लिए इनको, बैठा लीजिए प्लीज, मैं बंद कर दूंगा प्रोग्राम, दो मिनट रह गए, नहीं पूछूंगा मैं, अरे चुप रहिए, क्या परेशानी है, क्या ये क्या परेशानी है, अरे बोले क्या नहीं दे रहे हैं, अब हल्ला क्यों मचाते, बोलिए क्या बोलिए। मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूँ, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त ही बतलाएगा गद्दार कौन है। ये बोलना था, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछना चाहता हूँ कि नोटबंदी के फायदे हैं, टावर चौक चौपाटी भी गिना दें, नोटबंदी जो लागू करी थी उसके फायदे गिरा दे, गिरता रुपया महंगा तेल मोदी जी की सरकार फेल, नोटबंदी के फायदे पूछो इनसे, नोटबंदी के फायदे आज किसानों की हत्या, मतलब एक बताइए इतना उतावलापन क्यों है आखिर, आज किसानों की हत्या कर दी और जेएन आयोग ने रिपोर्ट दी कि इनको पुलिस ने नहीं मारा, तो फिर किसने मारा वो गोली का जवाब इनसे लीजिए। जी बिल्कुल ठीक ठीक, आपका सारा इधर से हिस्सा हो गया पूरा कि कोई बचा, जी कह रहे उज्जैन के 4000 मजदूरों का मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि एक एक पैसा दिलवाएंगे, और उनका जो केस कोर्ट में चल रहा सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपील कर दी और उनका पैसा आज तक नहीं मिला। जी मैं चाहूंगा अब इधर के हिस्से से मैंने सवाल पूछ लिए सारे, प्लीज तशरीफ रखिए बैठिए, जी जी मैं नोटबंदी का फायदा पूछूंगा, मैं नहीं आप बैठिए, हर बार नहीं उठेंगे आप, हर बार नहीं उठेंगे आप, जी मैं सवाल पूछूंगा लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो नहीं हो पाएगा। जी जी मेरा सवाल ये है कि जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने अपनी गद्दी संभाली थी तो 1500 शराब की दुकानें थी जो आज बढ़ के 4500 हो चुकी हैं, वहीं स्कूल जो है 1,20,000 थे जो अब घट के 85,000 रह चुके हैं, इसका क्या जवाब है इनके? स्कूल की संख्या क्यों कम हुई, ये सवाल है आम आदमी पार्टी का कि पहले 1,80,000 और अब कम हो गए, 1,20,000 से 85,000 कैसे हो गए, स्कूल कम क्यों हुए, सवाल जरूर पूछेंगे, वक्त थोड़े से ब्रेक का। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, देखिए मैं जानता हूं कांग्रेस के भी कई नेता हैं जो नहीं बोल पाए, बट मैं आपसे नहीं पूछ पाया हूं, मैं जानता माफी मांगता हूं, मैं आपसे भी नहीं पूछ पाया, मैं माफी चाहता हूं। इस तरह से बीजेपी के भी कई नेता हैं जिनसे एक मिनट रुकिए भैया जी, जिनसे मैं नहीं पूछ पाया, मैं माफी चाहता हूं। ये क्या लिए हो हाथ पे, क्या पकड़े हो, आलू आलू, ये आलू लेके क्यों चले, आलू नहीं सोना है सोना, बहुत बदमाश आलू आलू, राहुल गांधी ने कहा था कि इधर से आलू डालो इधर से सोना आएगा, स्वयं कांग्रेस से और वो 15 लाख कहेंगे, अब वो 15 लाख, अब वो 15 लाख कहेंगे, 15 लाख नरेंद्र मोदी जी ने दिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, सिट डाउन, ये देखिए आलू आलू अंदर रखिए, और मैं 15 लाख वाले अलग और आलू वाले अलग, जी जी मैम जी, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सवाल पूछना चाहती हूँ कि हीरा मिल, विनोद मिल और श्री सिंथेटिक्स लिमिटेड, ये भारतीय जनता पार्टी की 14 साल की सरकार, इनके कार्यकाल में बंद हुई है, जवाब दे इस बात का कि कोई भी नया रोजगार, हीरा मिल श्री सिंथेटिक्स लिमिटेड, और उनका हक का पैसा आज तक नहीं दिया गया, मुख्यमंत्री बार बार मंच पर आए लेकिन कोई पैसा दे करके नहीं गए, जवाब दे, जवाब देना चाहिए। आज उज्जैन औद्योगिक रूप से इतना पिछड़ गया है कि सबसे कम लागत का उद्योग जो उज्जैन में था, पोहा उद्योग, हैंडलूम उद्योग, वो भी बंद हो चुके हैं।
युवा बेरोजगार जो है वो इतना परेशान हो चुका है कि उज्जैन में बेरोजगारी की स्थिति भयावह हो चुकी है। जवाब देना चाहिए आपको, बिल्कुल आपको जवाब देना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ। बच्चा कहाँ गया? हाँ एक मिनट, हटो पीछे हटो। हाँ बोलो बच्चों। यहाँ पे जितने भी नेतागण बैठे हैं, मेरा उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है। आरक्षण के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगी कि जितने भी आरक्षित जन आरक्षित कैटेगरीज हैं, उन सभी को आप हर सुविधा मुहैया कराइए, उन्हें आर्थिक सहायता दीजिए, उन्हें आप जो देना चाहते हैं दीजिए। पर अगर ईश्वर ने बुद्धि तो सबको समान स्तर की दी है ना, उनके पास जो दिमाग है हमारे पास भी वही है। अवसर भी समान होने चाहिए बेटा, अवसर भी समान होने चाहिए, तो हमें भी इक्वल कैटेगरी से कॉम्पीट करने का। अफकोर्स इधर कोई महिला खड़ी थी। एक मिनट रुके। जवाब जी, मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि कोई भी किसी का धर्म देख के या फिर जो आपसे धर्म के नाम पे वोट लेना चाहता है, प्लीज उसे वोट ना दें। धर्म के नाम पे, जाति के आधार पर प्लीज वोट ना दें, इनका कहना था। बसपा वाले कहाँ गए? बसपा वाले जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। उस बच्चे ने एक सवाल पूछा, हालांकि आपके यहाँ आप बहन जी कह चुकी हैं कि आर्थिक आधार पर मैं आगे हूँ। जी जी, तो आपका स्टैंड क्या है? बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर आर्थिक समानता और सामाजिक परिवर्तन लाना चाहती है। हाँ। और जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग आपके सामने जो डिबेट कर रहे हैं। हाँ। कि हमने ऐसा कर देंगे। हाँ। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे सर्वजन समाज से निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ। कि इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही चट्टे बट्टे, एक ही थैली की चट्टे। देश में एक टैक्स हो सकता है तो क्या वन नेशन वन एजुकेशन नहीं होता है? और क्या बात है? मुझे बड़ा दुख हुआ यहाँ पे भारत का टूटा हुआ दृश्य देखकर कि यहाँ पर जातियों के नाम पर अपाक्स सपाक्स और स्वर्ण के नाम पर टूटा हुआ देश देखा, मगर यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा कहने वाला नहीं मिला कि जिसने कहा मैं भारतीय हूँ और मैं भारत की बात करूँगा। क्या नाम है? हितेश नागदेवे जी ने कहा कि मैंने सपाक्स देखा, मैंने अपाक्स देखा, मैंने बटा हुआ देश देखा, लेकिन भारत की बात करने वाला कोई भी नहीं देखा। बहुत स्वागत है। ये सिर्फ उज्जैन में ही हो सकता है। मेरे देश भर घूमता हूँ, ये उज्जैन में ही सवाल पूछा जा सकता है। सर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, स्वागत है। प्लीज मैम जी, इस उज्जैनी के पावन धरातल पर राजनीति पे तर्क वितर्क तो बहुत हुए, लेकिन इस टीवी के माध्यम से मैं अपनी उज्जैनी का परिचय देना चाहती हूँ। मैम टाइम ज्यादा नहीं है मेरे पास। ये महाकाल की नगरी है, कालिदास की शेष कथा कहती है, शिप्रा का निर्मल जल कल कल से बहता है इसमें, इसे नाम करो राजनीति के धरातल पर। ये भारत मैं थैंक यू, मैं अगली बार सुनूंगा मैं आपसे। बहुत मैं महाराज में खड़ा करना चाहता हूँ आपको। बहुत 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 आशीर्वाद दीजिए मुझे और मैं आपको साधुवाद देता हूँ। चुनाव लड़ी है, बहुत अच्छा लिया, टिकट मिल जाए बहुत बढ़िया लड़ी है जी। बहुत थैंक यू। आज बक्सर में इतना, आज फिर कभी मिलो, बहुत बहुत फिर मुलाकात होगी। आज अभी बक्सर इतना।